नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशुली भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपर फास्ट न्यूज की ओर। यूपी में जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम तय, 25 मार्च को शाम 4 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। पंजाब में भगवंत मान मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 10 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, 2 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग। 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस में बड़ी तकरार, सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आजाद, बोले आने वाले विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री को सुरक्षा देगी केंद्र सरकार, धमकियों मिलने की वजह से गृह मंत्रालय ने दी वाई श्रेणी की सुरक्षा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बयानबाजी तेज, उमर अब्दुल्ला ने कहा फिल्म में नहीं दिखाया गया सच, तभी निदेशक को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा। जमीन पर जंग, स्पेस से भाईचारा, स्पेस में भाईचारा, यूक्रेन के झंडे के रंग में दिखे रूसी अंतरिक्ष यात्री, स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद अमेरिकी, रूसी और जर्मन एस्ट्रोनॉट्स देखकर रह गए दंग। रूस और यूक्रेन में जंग का 24वां दिन, यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी, कई सीरियल धमाके में यूक्रेन को भारी नुकसान। रूस यूक्रेन में जंग जारी, कई कंपनियों के बाद अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का ऐलान स्थगित करेंगे रूस को होने वाली सभी माल की डिलीवरी। रूस यूक्रेन में जंग से यूक्रेन में मची तबाही के बाद टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का ऐलान, यूक्रेन में युद्ध पीड़ित बच्चों की मदद के लिए देंगे $5 लाख। रूस यूक्रेन में जंग के बीच यूक्रेन में दिखाई दिया बर्बरता का मंजर, कीव की रिहायशी बिल्डिंग पर रूसी हमले में यूक्रेन के मशहूर अभिनेत्री ऑक्साना स्क्रिप की मौत। ऑक्साना की कंपनी यंग थिएटर ने की अभिनेत्री की मौत की पुष्टि, अभिनेत्री मिल चुका है ऑनर्स आर्टिस्ट ऑफ यूक्रेन अवार्ड। रूस यूक्रेन जंग में भारी बमबारी, रूस ने कीव में बरसाए रॉकेट, जेलेंस्की ने रूस से कहा जंग नहीं रोकी तो फिर पीड़ियों भुगतेंगी परिणाम। रूस यूक्रेन में जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले में घायल हुए लड़कियों से की मुलाकात, का आवाम वासियों का बड़ा हौसला। जंग के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस के हमलों में अब तक करीब 100 बच्चों की मौत, बात और वहीं 100 से ज्यादा बच्चों के घायल होने की खबर थी। यूक्रेन राष्ट्रपति के सलाहकार का बड़ा दावा, रूसी सेना को रोकने में सफल हो रही यूक्रेनी सैनिक। जेलेंस्की के सलाहकार ने कहा रूसी सैनिकों के पास संसाधनों की कमी, कई मोर्चों पर छोटे स्तर के जवाबी हमले पर रूसी सैनिकों को रोकने में कामयाब हो रहे हैं यूक्रेनी सशस्त्र बल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अमेरिका की तीखी टिप्पणी, जो बाइडेन ने प्रेस को संबोधित करते हुए पुतिन को बताया वॉर क्रिमिनल। युद्ध अपराधी कहने के बाद रूस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक और जुबानी अटैक, बाइडेन ने पुतिन का बताया हत्यारा, तानाशाह और ठग। यूक्रेन को और हथियार देगा अमेरिका, बाइडेन ने यूक्रेन को और ज्यादा खतरनाक हथियार देने का किया ऐलान। अमेरिकी विदेश मंत्री की रूस को चेतावनी, जब तक जंग खत्म नहीं होती तब तक जारी रहेंगे प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस पर लगाए और कड़े प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र ने फिर बुलाई सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, अमेरिका ब्रिटेन समेत 6 देशों ने किया आह्वान, यूक्रेन में मानवीय स्थिति पर होगी चर्चा। यूएन में यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता के लिए रूस ने पेश किया प्रस्ताव, यूक्रेन में खतरे वाली स्थिति में फंसे आम लोगों के लिए मानवीय सहायता की रखी गई मांग। रूस ने यूक्रेन छोड़कर जा रहे लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग की भी रखी मांग, रूसी राजनयिक के मुताबिक प्रस्ताव पर हो सकता है मत विभाजन।
रूस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाया फैसला, रूस को तुरंत सैन्य अभियान रोकने का दिया आदेश। वहीं जेलेंस्की ने भी आदेशों का तुरंत पालन करने की कही बात। यूक्रेन ने दो हफ्ते पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हस्तक्षेप करने का किया था आग्रह, आईसीजे में दलील देते हुए की थी रूस के कथित नरसंहार को रोकने की अपील। यूक्रेन ने रूस की कार्रवाई को बताया 1948 की संधि का उल्लंघन, मौजूदा सैन्य कार्रवाई के बहाने यूक्रेन पर हमला करने में इस्तेमाल करने का आरोप। यूरोपीय परिषद को रूस का तगड़ा झटका, रूस ने यूरोपीय परिषद की मानवाधिकार संस्था से खुद को किया बाहर, अब यूरोपियन यूनियन के साथ मानवाधिकारों पर काम नहीं करेगा। दुनिया में अब तक 46,65,00,000 से ज्यादा कोरोना केसेस आए सामने, करीब 39 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर, मौत का आंकड़ा 60,00,000 के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2,520 से ज्यादा नए मरीज, 3,000 से ज्यादा लोग ठीक, वहीं 149 लोगों की हुई मौत। भारत में 4,30,00,000 से ज्यादा कोरोना केस, करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक, मौत का आंकड़ा 5,00,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 29,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हुए कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले केवल 148 मरीज, एक की मौत, कुल मामले 18,00,000 के पार, एक्टिव केसेस 610, मौत का आंकड़ा 26,000 के पार। महाराष्ट्र में भी थमा कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 229 नए मामले, 3 की मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 78,00,000 के पार, वहीं एक्टिव केसों की संख्या 5,000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 94 नए मामले, एक व्यक्ति की मौत, कुल मामले 20,00,000 के पार, वहीं 19,00,000 से ज्यादा मरीज हुए थे। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 73 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,00,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 924, वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 10 नए केस, कुल मामले 8,00,000 के पार, 2 संक्रमितों की मौत, केवल 49 एक्टिव केस, वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के मामलों में गिरावट, 24 घंटे में मिले कोरोना के 72 नए केस, 2 संक्रमितों की मौत, कुल मामले 9,00,000 से ज्यादा, 600 से ज्यादा एक्टिव केस। हिमाचल में 24 घंटे में मिले केवल 35 नए मामले, कुल मामले 2,00,000 के पार, 368 एक्टिव केस, मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 180 करोड़ के पार। देशभर में जारी 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 3,00,000 बच्चों ने लगवाई वैक्सीन की पहली डोज। WHO की चेतावनी, कई देशों पर लगाया COVID-19 टेस्टिंग की रणनीति बदलने का आरोप, कहा कम टेस्टिंग की वजह से सामने नहीं आ रहे मामले। उत्तर भारत में ठंड के बाद गर्मी बरपाने लगी कहर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों के छूट रहे पसीने, वहीं राजस्थान समेत कुछ राज्यों में दोपहर के समय लू चलने के आसार। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तो वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, साथ ही आने वाले दिनों में राजधानी में तापमान और बढ़ने की संभावना। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भी न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी, इसके अलावा देहरादून में भी लगातार बढ़ रहा पारा। हिमाचल प्रदेश में मार्च महीने में गर्मी ने तोड़ा सालों का रिकॉर्ड, ऊना में तापमान पहुंचा 35.7 डिग्री सेल्सियस, तो मौसम विभाग का अनुमान 20 मार्च को प्रदेश में हो सकती है बारिश।
दो साल बाद फरीदाबाद में फिर शुरू होगा सूरजकुंड मेला, शाम 5:30 बजे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे शुभारंभ, सीएम मनोहर लाल भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं-12वीं की डेटशीट में किया बदलाव, एनटीएपीसी एग्जाम को लेकर बदली गई डेटशीट, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने दी जानकारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगजीत सिंह ने बताया सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाओं में जेईई मेन्स परीक्षा 2022 की परीक्षाओं के साथ क्लैश होने के कारण किया गया बदलाव। पंजाब में मिली बंपर जीत के बाद तो शाम में आप कार्यकर्ता उत्साहित, निकाली विजय पद यात्रा, मध्य जोन के अध्यक्ष, जोन संगठन मंत्री समेत कई नेता रहे शामिल। संगठन मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दी पंजाब में जीत की बधाई, कहा आम आदमी पार्टी की जीत से दिखाई दिया कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल। प्रदेश में एक्शन मोड में विजिलेंस विभाग, अब सोनीपत के सेक्टर 23 के थाने में नौकरी कर रहे एएसआई को 10,000 के रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गिरफ्तार। विजिलेंस विभाग ने दी जानकारी, एएसआई विजेंद्र ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी को छोड़ने की एवज में ले रहा था रिश्वत। सोनीपत में एक्शन के बाद विजिलेंस अधिकारी ने कहा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लगातार चलाया जा रहा अभियान, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को नहीं छोड़ेगा विभाग। रतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों की रिश्वतखोरी का मामला, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा और साथी भारतीय किसान यूनियन एकता नौजवान सभा का 29वें दिन भी नगर पालिका कार्यालय पर धरना जारी। रिश्वतखोरी का मामला संज्ञान में आने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लिया एक्शन, प्रदर्शनकारियों और कार्यालय से संबंधित लोगों से की बात, खपलेबाजी की मांगी दस्तावेज। नू में बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, छात्राओं को बैठने के लिए क्लासरूम की व्यवस्था नहीं होने से हो रही परेशानी। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मात्र 8 कमरे, इन्हीं कमरों में बना हुआ प्रिंसिपल रूम, साइंस लैब और कंप्यूटर लैब। स्कूल के एक लेक्चरर ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप, कहा कई बार अधिकारियों को समस्या को लेकर भेजी जा चुकी रिपोर्ट पर भी समस्या नहीं हो रही है। हिंसरा ऑन किलिंग मामले में फतेहाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला, 16 को दोषी करार, 22 मार्च को होगा सजा का ऐलान, अपहरण के बाद शख्स की पीट पीट कर की थी हत्या। हरियाणा में एक बार फिर से सुर्खियों में अंबाला के सेंट्रल जेल, आपस में भिड़े कैदी, मारपीट में बुरी तरह घायल हुआ एक कैदी। कैदियों में मारपीट का मामला संज्ञान में आते ही एक्टिव हुआ सेंट्रल जेल प्रशासन, घायल कैदी को हॉस्पिटल में कराया भर्ती, शुरू के मामले की जांच पड़ताल। द्वारका में दुकान की छत पर शरारती तत्व ने सुराग करके छोड़ा पानी, दुकान मालिक को लाखों का नुकसान, शिकायत के आधार पर जांच की जुटी पुलिस। कंडाल के बागपति गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में झगड़ा, दोनों ओर से जमकर फेंके गए ईंट पत्थर, कई लोग घायल। सोनीपत में मावली काजुनी पर भतीजे ने पिता के साथ मिलकर ताऊ पर लोहे के रॉड से किया हमला, ताऊ की मौके पर ही मौत। लोगों के सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस, मृतक ताऊ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी युवक और पिता पर हत्या का केस दर्ज कर शुरू की जांच। नागर चौधरी पानी के टैंकी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, फायर ब्रिगेड पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, केस दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल।
करनाल के तरावड़ी में हाईवे पर मजदूर का शव मिलने से फैली सनसनी। लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। करनाल पुलिस के मुताबिक मृतक मजदूर की तेजधार हथियार से की गई हत्या। शव के पास से शराब की 3 बोतलें और गिलास भी हुए बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। रोहतक में हिसार रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 2 युवकों के शव मिलने से सनसनी। सड़क हादसा बताई जा रही मौत की वजह। घर से पार्टी करने के बाद कहकर गए थे दोनों युवक, लेकिन घर नहीं लौटे, जिसके बाद दोनों युवकों का शव और मोटरसाइकिल सड़क किनारे खेत में पड़े मिले। डीएसपी रविंद्र ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी अज्ञात वाहन से टक्कर का मामला लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आएगी मौत की असली वजह। करनाल में ठेकेदार से पैसे न मिलने से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। खुदकुशी से पहले वीडियो परिवार को किया था वीडियो कॉल। मृतक के साथी ने बताया कि ठेकेदार ने बहुत दिन से भुगतान नहीं किया था, जिसके चलते रणजीत सिंह काफी परेशान था, इसी के चलते उसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का रणजीत सिंह बिहार का निवासी था, जो कि 15 दिन पहले ही एक बेटे का पिता भी बना था। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच में जुटी। जींद में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। 35 फीट ऊंचे ओवरब्रिज से नीचे गिरी तेज रफ्तार कार, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घरौंडा में बदमाशों के हौसले बुलंद। दुबई से आए विदेशी सैलानी बनकर 2 बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मालिक से लूटे हजारों रुपए। घरौंडा व्यापारी से लूटपाट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। वारदात को काले रंग की कार में सवार होकर आए थे बदमाश। सूचना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रादौर में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। चोरों ने अब एक एजेंसी में खड़ी 3 गाड़ियों की बैटरियों के साथ कई सामान के साथ। चोरी की घटना के बाद एजेंसी मालिक ने की पुलिस को मामले की सूचना। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद शुरू की चोरी की तलाश। सीएम जयराम ठाकुर ने दिया बयान। शिमला में झुग्गी झोपड़ी वालों को मिलेगा मालिकाना हक का। गायक मोहित चौहान ने हिमाचल सरकार के साथ कोरोना की जंग लड़ने के लिए बढ़ाया कदम। सीएम की मौजूदगी में प्रोजेक्ट बजरंगी और निवेश हिमाचल के लिए दी 3 करोड़ की सामग्री। सीएम जयराम ने सामग्री को हरी झंडी दिखाकर स्वास्थ्य विभाग को सौंपा। सरकार की मदद के लिए मोहित चौहान का जताया आभार। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को हिमाचल प्रदेश में भी किया गया टैक्स फ्री। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, मैं कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटनाक्रम का हूं चश्मदीद। सीएम जयराम ने कहा कि मैं खुद 3 से 4 सालों तक कश्मीर में था। घटना के बाद कई कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा था जाना। ऊना वासियों को कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बड़ी सौगात दी है। भू एवं जल संरक्षण विंग और कुला सिंचाई परियोजना के पहले चरण का किया भूमि पूजन। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, सिंचाई परियोजना ग्राम पंचायत बंजाल के गांव गोकल नगर में की जाएगी निर्मित। परियोजना से करीब 60 परिवारों को मिलेगा लाभ। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश वन चरान सलाहकार समिति की 48वीं बैठक। वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार भेड़पालकों को दिए जाने वाले परमिट की वैधता को किया 6 साल, पहले केवल 3 साल के लिए वैध था परमिट।
बिलासपुर में खैरों के अवैध कटान मामले को लेकर सदर के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने सरकार को दी चेतावनी। वन मंत्री राकेश पठानिया के इस्तीफे की उठाई मांग। बंबर ठाकुर ने कहा कि अगर 23 मार्च तक वन मंत्री ने पद से नहीं दिया इस्तीफा तो नलवाड़ी मेले में सीएम जयराम ठाकुर का करेंगे घेरा।